हेलो गाइस, वेलकम टू कैड एकेडमी। सो इस ट्यूटोरियल में अपन एक व्हील डिज़ाइन करने वाले और एक रिम डिज़ाइन करने वाले एक कार की। तो चालू करते हैं, पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। और मैं रिम टाइप करने के बाद मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा प्लेन। एक प्लेन सिलेक्ट किया मैंने, जेड एक्स प्लेन। एंड देन मैं उस पर एक प्रोफाइल बनाऊंगा जिसको मैं शाफ्ट करवाऊंगा अबाउट हॉरिजॉन्टल। तो मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ और इसको कंस्ट्रेंट दे देते हैं। इसकी जो डायमेंशन है वो रहेगी 176.5। ओके, सो ऐसे मैं प्रोफाइल लेता हूँ। और इस तरीके का कुछ शेप बना लिया मैंने एक। नाउ कंस्ट्रेंट फिर से देना है जो एंड पॉइंट है वहां से लेके तो हॉरिजॉन्टल तक जो डिस्टेंस है वो रहेगी अपनी 195/2। तो ये अपनी डिस्टेंस है। नाउ इस पॉइंट से लेके तो यहाँ तक जो है 200 रहेगा। इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल तक की डिस्टेंस जो है अपनी 181.5, सॉरी। मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। सो ये अपना बेसिक कुछ व्हील का एक पैटर्न हो गया। नाउ इसको एग्जिट करेंगे और शाफ्ट कमांड क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सिस सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैं इसको शाफ्ट करूँगा। और इसकी थिकनेस अपन 3 mm की प्रोवाइड कर लेंगे। रिव्यू, ओके, इस चीज़ को मिरर कर देते हैं। तो शाफ्ट है अपना, इसको सिलेक्ट करके मिरर कमांड पे क्लिक करना है एंड प्लेन सिलेक्ट करके ये मिरर हो गया। सो ये अपना कुछ एक सिलेंड्रिकल शेप बन चुका है। नाउ एक प्लेन सिलेक्ट करना है और चलते हैं स्केच में। स्केच में जाने के बाद मैं क्रॉस सेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एक स्प्लाइन लूंगा। ओके, ये स्प्लाइन ली मैंने और 3 times मतलब 3 मुझे इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स चाहिए। मैं 3 points लूंगा और एक स्प्लाइन लूंगा क्योंकि इसी प्रोफाइल के अंदर रखनी है। ओके, मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। सो गाइस, अपना जो सेंटर वाला पॉइंट है मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है उसका हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस है वो रहेगा 95। नाउ इस पॉइंट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो है वो 115 है। इस पॉइंट का वर्टिकल के साथ डिस्टेंस जो है वो 135 है। और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्टेंस 133। नाउ इस पॉइंट का डिस्टेंस वर्टिकल के साथ 80। इस पॉइंट का डिस्टेंस वर्टिकल के साथ 106। हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्टेंस देख लेते हैं, वर्टिकल मतलब जो हाइट है 42। और ये है 44। ये डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ये है 50 और ये रहा 82। सो
सो मैं इसको एक क्लोज स्पीकर बना लेता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो मतलब फिगर डायमेंशन बना सकते हो, फिगर बना सकते हो सेम फिगर अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक क्लोज फिगर बनाना बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको एक लाइन लूँगा और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक लाइन लेके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि अब ये सॉलिड रिवॉल्व हो पाएगा, मतलब सॉलिड ज्योमेट्री बनेगी। तो यहाँ पे अपन शाफ्ट लेंगे और एक एक्सिस सिलेक्ट करना है एंड देन प्रीव्यू। ओके नाउ ये अपनी एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर अपने को कटिंग्स करनी है, जो अपने रिम की शेप रहेगी उस हिसाब से कटिंग्स करनी है। तो मैं एक प्लेन ले लेता हूँ और उसको ऑफसेट करूँगा मैं। नाउ इस प्लेन पे मुझे कुछ ज्योमेट्रीज बनानी है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लूँगा और जो अपना ओरिजिन है वहाँ से वर्टिकली स्लाइड करूँगा अपवर्ड्स। नाउ एक लाइन लेते हैं, सॉरी एक सर्कल बनाना है। और उसको कॉन्सेट कर देंगे इस सर्कल को इस एज के साथ। नाउ एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और इस लाइन पे इस मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट देते हैं और हॉरिजॉन्टल से सॉरी वर्टिकल से कांटेक्ट में ला लेते हैं। नाउ एक आर्क सेलेक्ट करूंगा मैं भी। इसको पहले मिरर कर देते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई करना है, तो वो रहेगा अपना 110। एक आर्क बनाना है। मैंने सर सेंटर सेलेक्ट किया एंड देन सॉरी सेंटर सेलेक्ट किया, ये वाला एज सेलेक्ट किया और ये वाला एज सेलेक्ट किया। सो मेरा एक आर्क बन चुका है। नाउ इस सर को मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरी ये वाली डिस्टेंस है वो है 150 एंड इन बीच में एक फिलेट देखना है। जो कि रहेगा 5.8 mm का। ट्रिम कर लेते हैं। नाउ इस फिगर को अपने को रोटेट करवाना है। आप इंस्टेंस 5 रख लेना क्योंकि मुझे 6 फिगर चाहिए, मतलब अपने को 6 फिगर चाहिए। तो 5 पे इंस्टेंस रख लेना और कुल मिला के 6 फिगर है, तो 360 डिवाइड बाय 6 तो कुल मिला के यहाँ से 60 डिग्री अपने को रखना पड़ेगा। तो 60 डिग्री पे ये अपने फिगर रोटेट हो चुके हैं। नाउ मुझे फिर से एक रेफरेंस लाइन लेनी है और मैं इसको कुछ इस वर्टिकल से 36 डिग्री के सॉरी 30 डिग्री के एंगल पर रखूंगा। नाउ फिर से एक लाइन बनानी है कुछ इसके जो डिस्टेंस है 1 फुट। नाउ इसको मिरर कर देना है। अबाउट दिस मैं
सेट करूँ पहले ये पॉइंट एंड ये पॉइंट तो स्पेसिफाई कर देगी 60। नाउ एक सर्कुलर वो लेना है आर्क, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और दोनों को स्लाइड करवा देना है। ओके सॉरी लेट्स सी टेक फिलेट स्पेसिफाई कर देंगे रैंडम फिलेट एक आर्क बनाना है फिर से ओके सो मेरा फिगर बन गया है। नाउ इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल पेस ओके और इसको अपने को फिर रोटेट करवा लेना है इतने 5 इंस्टेंस पे, मतलब 5 की इंस्टेंस चाहिए 60 डिग्री के एंगल पे। ओके सो ये मेरा कुछ फिगर बन चुका है। नाउ एग्जिट करेंगे और इसको पॉकेट कर देना है, स्केच को पॉकेट, लिमिट आप कुछ भी रख सकते हो। बॉडी ओके बॉडी की प्रॉब्लम है तो मैं इस शाफ्ट को डिलीट करना चाहूँगा। डोंट डिलीट क्रिकेट एलिमेंट और नाउ इंसर्ट अ बॉडी और फिर शाफ्ट करेंगे इस चीज को अबाउट दिस एक्सेस रिव्यू। ओके अब करिए पॉकेट, उसके पहले इसको डिफाइंड इन वर्क ऑब्जेक्ट कर लेना है क्योंकि इसको पॉकेट करने के लिए बॉडी टू को पॉकेट करने के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सॉरी पॉकेट एंड देन लिमिट आप कुछ भी रख सकते हो। रिव्यू ओके सो आप देख सकते हो कि जो अपने बॉडी टू है सिर्फ वो पॉकेट हो गई है। तो अब इनको फिर से यूनाइट कर देते हैं, ऐड इस बॉडी को सिलेक्ट करना है और पार्ट बॉडी और ओके तो ये ऐड हो चुका है, एक ही बॉडी बन चुकी है। नाउ अपना फील्ड कंप्लीट कर देते फिर से एक स्केच सेलेक्ट कर लेना है रिवर्स डायरेक्शन नॉर्मल व्यू और यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा मैं। इस तरीके से और एग्जिट नाउ पैड प्रीव्यू
फिलेट नाउ फिर से स्केच सर्कल बनाना है और इसको रोटेट करवा देंगे ना। चलते हैं अपना जो व्हील है उसको डिज़ाइन करना है, तो फिर से मैं एक प्लेन लूँगा, उसके पहले तो इंसर्ट बॉडी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन। इस प्लेन पे अपन को एक व्हील बनाना है, तो मैं एक स्प्लाइन लूँगा और उसे मैं मैनिपुलेट करूँगा यही से ही। इसको कर देते अपन मिरर, एग्जिट एंड देन रिवॉल्व एक्सेस थिक प्रोफाइल थिकनेस 5 mm प्रीव्यू ओके। सो ये कुछ अपना बेसिक सा एक व्हील दिख रहा है। नाउ व्हील थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा छोटा करूँगा मैं। ना चलते हैं अपन व्हील के जो ग्रुप्स रहते हैं उसको बनाते हैं। तो मैं ये वाला प्लेन सिलेक्ट करूँगा एंड देन फिर से सेक्शन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्रोफाइल बनानी है कुछ इस तरीके से। इसको मैं क्लोज फिगर बना लूंगा। ओके इस फिगर को थोड़ा अच्छा कर लेते एग्जिट और इसको करना है अपने को ग्रूव, एक्सिस सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन ग्रूव या फिर 5 degree 2.5 sorry 2।
और इसी चीज को मैं मिरर कर दूंगा। नाउ इस चीज को अपने को फिर वो करना है, पैटर्न करवा लेना है। सो सबसे पहले तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और ये सिलेक्ट एंड पैटर्न। एक्सेस बना लेते हैं। मैंने एक एक्सेस बना ली है। नाउ मैं ग्रुप सिलेक्ट करूंगा जो मैंने बनाया था। ओके, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे। एक्सेस पहले तो चेक कर लेनी है और नाउ इंस्टेंसेस के कम कर देना है, सॉरी इंस्टेंस बढ़ा देना है, एंगल कम कर देना है। एंगल रखना है अपने को 2 डिग्री, 4 डिग्री पूरी, और इंस्टेंस बढ़ा दो जब तक कि फुल सर्कल कंप्लीट ना हो जाए। प्रीव्यू एंड ओके। नाउ इस चीज इसको पूरे को सिलेक्ट करना है एंड देन मिरर पे प्लेस करके अबाउट इसके मिरर करना है एग्जिट। ओके, सो आप देख सकते हो कि अपना जो ग्रूव है वो फुल व्हील पे बन चुके हैं। नाउ इसकी अपन करेंगे रेंडरिंग, उसके पहले मैं सेव कर देता हूँ। तो गाइस इसको अपने को सेव करने के बाद सेव एज करना है और स्टेप फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन जो रेंडरिंग है वो करेंगे की शॉट में, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। तो इसमें मेरा की शॉट ओपन हो चुका है। नाउ मैं अपनी फाइल इंपोर्ट करूँगा, तो इंपोर्ट क्लिक करना है और यहाँ पे जिस फोल्डर में फाइल है उस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल को ओपन करना है। नाउ ये कुछ पोजीशनिंग्स है जो आपको एक्सिस वैक्सिस जिस डिपेंड करती है उस हिसाब से आपको पोजीशन करना है आपके इमेज को। ये सब मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ की शॉट के। ये सब अपना व्हील इंपोर्ट हो चुका है। नाउ रिम है और व्हील पे रबर, डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करके रबर। ओके गाइस, सो ये रहा अपना व्हील डिज़ाइन। व्हील जो है कुल मिला के इस तरीके से डिज़ाइन होता है और इसके अलग अलग शेप्स रहते हैं, जैसे डिपेंड करता है जिस टाइप का व्हील आपको डिज़ाइन करना है, कुल मिला के तरीका यही रहता है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।